Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful, entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेक ख्वाहिशात आपने कैसे देने हैं. अगर किसी को आपने नेक ख्वाहिशात देने हो तो उसके लिए आप कौन से सेंटेंसेस और किस तरह यूज करेंगे. तो चलते हैं सबसे पहले सेंटेंस की तरफ. ऑल द बेस्ट, खुदा सब ठीक रखे. नंबर टू, हैव अ नाइस लक, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो. अगर आपने अपने किसी दोस्त को या कुलीग को किस्मत के मुतालिक नेक ख्वाहिशात का इजहार करना है तो आपने उसे कहना है हैव अ नाइस लक. विद बेस्ट विशेस, बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ. ये नॉर्मली हम जब किसी को अलविदा करने लगते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. विश यू गेट इट. विश यू का मतलब हुआ विश मेरी ख्वाहिश है. यू गेट इट, तुम मकसद हासिल कर लो. किसी का भी अगर आपको मकसद का पता चलता है और आप उसे नेक ख्वाहिशात देना चाहते हो तो आप ऐसा कहोगे विश यू गेट इट. मे योर ड्रीम्स कम ट्रू. ड्रीम्स कम ट्रू का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे जो मकसद है वो अमली जामा उसको पहनाया जा सके. मिसाल के तौर पे खुदा करे तुम्हारे ख्वाब पूरे हो. मिसाल के तौर पे किसी का ख्वाब हो इंग्लिश बोलना, तो आप जब किसी दोस्त के साथ कन्वर्सेट करते हो और वो आपका जो ख्वाब की जिक्र करते आपके आपके साथ, तो आप उसे कहें कि मे योर ड्रीम्स कम ट्रू. ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और आपसे इजहार करता है तो आप इसे इस तरह कह सकते हो. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.